हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर जो है मेंटल कैलकुलस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या था क्वेश्चन? ये 0 to n ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स डी एक्स अपॉन जीरो टू एन एक्स डी एक्स इस वैल्यू निकालनी थी। वेयर इट इज दस ये एंड मोड एक्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वेयर एक्स एंड एक्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वेयर एक्स टू बिलोंग्स टू वेयर एंड बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन लिविंग लाइक दैट। देखो भाई ये क्या आता है, 0 to n ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या लिखते हैं, एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स अपॉन 0 to n एक्स डी एक्स। इट मीन इसको अलग अलग कर लिया, क्या 0 to n एक्स डी एक्स अपॉन 0 to n एक्स डी एक्स माइनस 0 to n एक्स डी एक्स अपॉन इससे कट जाएगा, वन आ जाएगा भाई साहब। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आ जाएगी। इसकी क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई टू 0 to n एन 0 to 1 क्या जाएगा, यो अपॉन एन 0 to 1 एक्स डी एक्स क्या जाएगी, एक्स डी एक्स माइनस 1 एक्स पावर एन बाई टू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पॉइंट टू एन स्क्वायर पॉइंट टू माइनस अपॉन एन 0 to 1 एक्स एन 0 to 1 माइनस 1 1 माइनस 0 to 1 0 to 1 to 1 एक्स किया गया, 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एक्स स्क्वायर फोन टू क्या जाएगा, 1/2 क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर फोन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर 1/2 जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्या जाएगा, ये एन स्क्वायर अपॉन टू अपॉन एन अपॉन टू माइनस 1 एन स्क्वायर टू अपॉन एन अपॉन टू, टू से टू जाएगा, क्या जाएगा, ये वही क्या है, 0 to 1 एक्स डी एक्स। एक्स क्या कर लिया, एक्स माइनस एक्स ये कर लिया, पीछे लास्ट टाइम में बताया था ये, इनको सब अलग अलग कर लिया। ये आ गया ये 0 to n ये एक्स डी एक्स एन 0 to 1 एन ये ना एन
एन को कर लिया एन मल्टीप्लाई वन, एन बाहर आ गया 0 से 1 एन। फिर इसके क्या आ गया एक्स क्या आ गया 0 से x dx क्या आ जाएगा एन स्क्वायर बाई टू, एन से एन जा गया क्या आ गया तो ये क्या आ गया एन बाई एन माइनस वन, क्या आ गया इसका आंसर एन माइनस वन, दैट इज सॉरी इसका आंसर आ गया एन माइनस वन। अब क्या है बेटा सवाल, वैल्यू वैल्यू 0 की पावर x कॉस टी डी टी, ई वैल्यू कॉस टी डी टी वेयर एन इज, वेयर एन बिलोंग्स टू 2n π 4n+1 π/2 वेयर एन इज बिलोंग्स टू 2n π 4n+1/2 4l+π/2 एन बिलोंग्स टू एन एंड वेयर एन बिलोंग्स टू 2n π 2n+1π/2 एन बिलोंग्स टू एन एंड डेनोर एंड denote the greatest integer. ये 0 to x cos p greatest integer में है dt where n belongs to n 2n π into 4n+1π/2 इस तरह की ये लिमिट ये दे रखा है assumption, ये रखा है लिमिट i equal to 0 to t cos t या 0 to t cos t 0 to x cos t dt 0 to x cos t dt इसको ब्रेक करने लिमिट को क्या गया 0 to 2 0 to 2n π 0 to 2n π cos t प्लस 2n π एक्स कोस टी डी टी देखो ये एन को है ये बाहर आ जाएगी एन 2n π नहीं एन इंटू 0 to 2π कोस टी प्लस कोस टी डी टी यानी 2n π को 2n मल्टीप्लाई पाई कर दिया 0 to π 2n π x cos t dt 2n π x cos t dt जीरो टू 2π cos t 0 to 2π cos t की वैल्यू क्या जाएगी है cos t की क्या जाएगी साइन t इसकी वैल्यू क्या जाएगी साइन t की माइनस क्या जाएगा साइन 0 माइनस के n क्या जाएगा ये माइनस के n π इसकी n की वैल्यू जितनी भी है t की वैल्यू क्या है n की वैल्यू क्या है यहां से यहां तक की है टू एन जितनी 2n+1π/2 यानी 4n+1π/2 जितने पाई बाई टू होंगे तो हमें क्या होगी जीरो होगी वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी प्लस 2n π इंटू एक्स 0 dt तो क्या आएगा माइनस के n π माइनस के 0 का 0 n π प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस n π हेंस दिस आंसर विल बी टू द n π।
इसका आंसर क्या होगा, माइनस के एन पाई। भाई बात समझो भैया, एक इसमें जो एक रिजल्ट है तो याद कर लेंगे क्या रिजल्ट है वो। क्या है, क्या रिजल्ट है इसमें देखो। ए पीरियडिक फंक्शन विद द पीरियड आई इज इंटीग्रेबल ऑफ इंटीग्रल आल्सो टू देयर नंबर ए एंड बी फॉर देयर नॉन यूनिकली नॉन जीरो इंटीग्रल एम एंड एन फॉर एन बिलोंग्स टू ए ए प्लस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू बी बी प्लस एम एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ देन वैल्यू ऑफ एम एन एफ एक्स डी एक्स विल बी जी। अगर ये कोई फंक्शन है ए टू एम प्लस ए टू ए प्लस एन बी टू बी प्लस एम एफ एक्स डी एक्स है एफ एक्स डी एक्स है और टू रियल नंबर है ए ए और बी क्या है लेट्स ए बी आर टू रियल नंबर है और टू नॉन जीरो इंटीग्रल है नॉन जीरो इंटीग्रल है नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल एम एन ए और बी तो देयर देयर आर ए एंड बी आर टू रियल नंबर एंड एम एन आर टू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल है एम एंड एन सच दैट एंड इफ दिस एफ एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन। अब एफ एक्स रिलेटेड अब ए बी एंड ए एंड बी आर टू रियल नंबर है एम नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है एम एन और कैसे है एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन है तो देन अगर इसके अलावा ए टू ए प्लस एम ए टू ए प्लस एन एफ एक्स डी एक्स बी टू बी प्लस एम एफ एक्स डी एक्स देन द वैल्यू ऑफ एम इंटू एन एफ एक्स डी एक्स विल बी जीरो। इसको रिजल्ट को याद कर लेना कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली पूछ सकता है ठीक है। और आगे देखो एक और देखो ये नंबर है एक और क्या कर सकते हैं तो इफ एक और ऐसे रिजल्ट है तो डायरेक्ट याद कर लेना इसको भी क्या रिजल्ट है अभी क्या रिजल्ट है इफ लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स प्लस सिक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स प्लस सिक्स
देन देन प्रूव दैट एक्स एक्स प्लस एट एफ एक्स डी एक्स विल बी कॉन्स्टेंट, देन एक्स टू एफ प्लस एफ 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 डी एक्स विल बी कॉन्स्टेंट, ये एफ टी डी टी विल बी द कॉन्स्टेंट। ये प्रूव करना है कि एफ टी जीरो एक्स टू एक्स प्लस एट एफ टी डी टी विल बी कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, गिविन है देखो एफ एक्स प्लस प्लस एफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स प्लस थ्री, ये आ गए। इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्या रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस एक्स बाई एक्स टू, एक्स की एक्स बाई एक्स टू में क्या कर दे, या क्या कर दे एफ एक्स प्लस टू, ही हैज एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स प्लस सिक्स एफ एक्स प्लस फोर एफ एक्स प्लस एट, क्या फ्रॉम इक्वेशन बाई फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम द इक्वेशन बाई द फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड टू एड कर ले, क्या आ जाएगा ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एट बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के इक्वेशन से क्या आ गया दोनों एड कर लिया, इससे ये चले जाएगा इससे जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एट आ गया, तो इससे क्वेश्चन से क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एट आ गया। एंड एक्स की क्या आ गया एक्स टू एक्स प्लस एट एक्स टू एक्स प्लस एट एफ टी डी टी प्रॉपर्टी लगा दी इसमें इक्वल टू क्या क्या जीरो टू एट एफ टी डी टी जीरो टू एट एफ टी डी टी दस इट इज द फंक्शन दस इट इज द कॉन्स्टेंट फंक्शन दस दस जीरो टू एट एफ टी डी टी इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन जीरो टू एट एफ टी डी टी इट मीन्स दैट इट इज द कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये आ गया इसकी फिर प्रूफ लेयर दैट इट मीन्स दैट एक्स प्लस एफ टी विल बी टू द कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसको दबानी याद कर लेना कि एफ एक्स प्लस फोर एफ टू है ये है तो इसकी वैल्यू एक्स एक्स प्लस एट एक्स टू एक्स प्लस एट एफ एक्स एफ टी डी टी विल बी द कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है ये आगे बढ़ते हैं। एक आता है लेबनीज़ थ्योरम, एक क्या आता है नया है लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ रूल कहते हैं, लेबनीज़ रूल क्या होता है लेबनीज़ रूल, लेबनीज़ रूल क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है लेबनीज़ रूल, इट इज सिंपल इफ एफ इज ए फंक्शन एफ इज ए फंक्शन
एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी एंड यू एक्स एंड वी एक्स आर टू डिफरेंशियबल फंक्शन, यू एक्स एंड वी आर द डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या, इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, u x v x are the differentiable function of f x, then whose value lies in a b, whose value lies in a b, इनकी वैल्यू जो है ए बी के बीच लाइज करती है, देन डी वाई ऑफ डी एक्स, डी वाई ऑफ डी एक्स यू एक्स इंटीग्रेशन वी एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ वी एक्स एफ वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एफ वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस, फिर इसके माइनस के क्या करते, एफ यू एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, इट इज द लेबनिज़ रूल। ये एफ कोई कंटिन्यूस कब अप्लाई होता है, एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, बड़े बड़े कोई भी में होता है कंटिन्यूस फंक्शन, यू एक्स वी एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन हो, कहेंगे हूज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में हो, तो देन डी बाई डी एफ ऑफ यू एक्स टू वी एक्स एफ टी डी टी इक्वल टू वी एक्स एफ वी एक्स डिफरेंशियल ऑफ डी बी डी एक्स माइनस एफ यू एक्स डी यू ऑन डी एक्स इज कॉल्ड टू द लेबनीज रूल, इट इज कॉल्ड टू द लेबनीज रूल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे लेट कोई फंक्शन है एफ आर टू आर, एफ कोई फंक्शन है आर टू आर, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लेट एफ आर टू आर इक्वल टू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन हैविंग एफ टू इक्वल टू सिक्स एंड एफ जस्ट थ्री इक्वल टू 148, देन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो टू एक्स टू एफ एक्स फोर टी क्यूब माइनस
एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एफ टू फिफ्थ अपॉन ये क्या आ गया? अब गिवन है, क्या गिवन है? लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू टू जीरो टू एक्स, जीरो टू एफ एक्स, जीरो टू एफ एक्स फोर टी क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू, फोर टी क्यूब माइनस अपॉन एक्स माइनस टू डी टी, लिमिट एक्स टेंस टू टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू जीरो टू सिक्स, सिक्स एक्स, सिक्स टू एफ एक्स, सिक्स टू एफ एक्स फोर टी की क्यूब डी टी अपॉन एक्स माइनस टू। ये आ गया, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये टी के रिस्पेक्ट में से अलग किसी की वैल्यू खड़ी ना, ये सारे मत ये तो ऊपर कर लिया। और ये जो है एक्स टेंस टू टू के, ये क्या पढ़ रहा है? एक्स टेंस टू टू के क्या है? वो जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ गई। क्या आ गई? जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ गई है। तो इसमें क्या लगा देंगे फिर? एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगा देंगे? अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगा देंगे? अप्लाइंग एल लो 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 एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल क्या है कि डिनोमिनेटर का, न्यूमिनेटर का ऊपर डिफरेंस कर दो, नीचे क्या कर दो? डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग क्या कर दो? डिफरेंशिएबल कर दो। क्या कर दो? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डी बाउन डी एक्स सिक्स टू एफ एक्स फोर टी की क्यूब अपॉन वन। क्या जाएगी? फोर टी की क्यूब अपॉन वन। जब इसका वही है फिर लेबनीज रूल लगा दूंगा, एफ फोर, फोर एफ एक्स का क्यूब, फोर एफ एक्स का क्यूब और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा? फोर, फोर एफ एक्स का क्यूब, फोर एफ एक्स का क्यूब एफ डैश एक्स अपॉन वन अपॉन वन। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आ जाएगी? लिमिट, वो लिमिट क्या आ जाएगी? एक्स टेंस टू जीरो। एफ टू की, एफ टू की वैल्यू कितनी है? सिक्स है। एफ टू की वैल्यू कितनी है? सिक्स है। फोर इंटू सिक्स की पावर थ्री, फोर इंटू सिक्स पावर थ्री मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स, एफ डैश टू इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी एट। यह क्या आ जाएगा? यो फोर मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स इंटू वन अपॉन फोर्टी एट, सिक्स एट द फोर्टी एट और फोर टू द एट, टू थ्री द सिक्स, थ्री सिक्स द एटीन। आंसर क्या आ गया इसका? एटीन। क्या आ गया इसका? एटीन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? एटीन आएगा। देखो ये फंक्शन, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जब ये कॉन्स्टेंट है टी के रिस्पेक्ट में से अलग है, इसको तो इंटीग्रेशन ही बाहर आ गए तो बाहर आ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आएगा। यो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, एक्स टेंस टू जीरो, जीरो बाई जीरो बाई जीरो बाई फॉर्म है, जीरो बाई
जीरो फॉर्म आ गई है, 0/0 फॉर्म आ गई, तो एल एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। एल हॉस्पिटल रूल इसका इंटीग्रेशन किया था लेबनीज थ्योरम से, यानी यू इंटू वी इंटू वी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन वी एक्स का, फिर माइनस यू इसका जो सिक्स का करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ जीरो आ जाएगा, सिर्फ उसको ऐड करेंगे। सिक्स का क्या आ जाएगा, 4 6 की पावर 3 माइनस सिक्स का जीरो आ जाएगा, तो अपॉन 1। तो एफ एक्स यानी एफ टू की वैल्यू कितनी है 6, और एफ डैश टू की वैल्यू आगे 1/4 है इक्वल टू 18, एंड इट इज आंसर टू द 18। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये बताना है क्या बताना है, ये जैसे मान लीजिए अच्छा सवाल है, ठीक है सवाल, जैसे क्या सवाल है ये, y इक्वल टू 1/8 साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 1/8 होल स्क्वायर एक्स 1/8 कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स रूट टी, कोस इनवर्स रूट टी वेयर एक्स की वैल्यू 0 to π/2, वेयर 0 to x to π/2, वेयर एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच लाइन करेगी, इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सल पॉइंट इक्वेशन, टू दैट वाई इक्वल टू 1/8 साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट थ्री डी टी 1/8 कोस स्क्वायर एक्स कोस इनवर्स रूट थ्री, वेयर एक्स की वैल्यू क्या है 0 to π/2, इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स, फाइंड इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या इक्वेशन निकालनी है, किससे निकलेगा भैया, जैसे गिवन है 1/8 क्या है 1/8 साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स आंसर रूट टी डी टी प्लस 1/8 कोस स्क्वायर एक्स कोस इनवर्स रूट थ्री डी टी, कोस इनवर्स रूट थ्री डी टी ये फंक्शन। अब इसका डी वाई बाई ऑफ डी एक्स, डी वाई बाई ऑफ डी एक्स, इसका मान लीजिए लेट इट विल बी टू द वाई, लेट इट विल दैट वाई के इक्वल आए, तो डी वाई बाई ऑफ डी एक्स, डी वाई बाई ऑफ डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1/8 साइन स्क्वायर एक्स
साइन इनवर्स रूट की डी टी प्लस वन डी वाई बाई ऑफ डी एक्स वन बाई एट अब इसके अंदर मैं जो है एक लेबनीज थ्योरम लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा मैं? लेबनीज रूल लगा दूंगा। मैं क्या लगा दूंगा इसके अंदर? एक मैं लेबनीज थ्योरम या लेबनीज रूल लगा दूंगा। क्या लेबनीज रूल लगा देंगे? वही है कि इसका जो फंक्शन आ जाएगा जब साइन इनवर्स एक्स को साइन ये रखूंगा मैं इसमें साइन इनवर्स साइन स्क्वायर टी इससे जाएगा साइन इनवर्स साइन टी इससे जाएगा साइन टी तो क्या आएगा? फाइनली टी आ जाएगा। क्या फाइनली आ जाएगा? ये टी दैट इज विल बी टू द टी ये क्या आ जाएगा? फाइनली टी आ जाएगा। और फिर जो है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा फिर क्या है करूंगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर क्या आएगा टू साइन एक्स एंड देन दिस साइन एक्स इज टू साइन एक्स कॉन्सेप्ट इट मीन्स टी इज इट मीन्स टू टी साइन एक्स कोस एक्स इट मीन्स टी साइन एक्स कोस एक्स इट मीन्स टी साइन एक्स कोस एक्स इट मीन्स टी मीन्स एक्स एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन इनवर्स एक्स रखिए या एक्स रख के आएगा ये इट मीन्स एक्स साइन एक्स कोस एक्स एक्स टू साइन एक्स कोस एक्स क्या आएगा टू एक्स क्या आएगा टू एक्स साइन एक्स कोस एक्स सिमिलरली फॉर दिस फोर हेयर कोस इनवर्स रूट टी की वैल्यू कोस स्क्वायर टी आ जाएगा इट सिमिलरली वी हैव माइनस टू एक्स साइन एक्स कोस एक्स फॉर दिस कोस इनवर्स कोस रूट टी कोस रूट एक्स यहां से एक्स आ जाएगा यहां क्या आ जाएगा सिमिलरली कोस स्क्वायर एक्स का टू कोस एक्स एंड कोस एक्स ऑल थ्री माइनस साइन एक्स माइनस टू का एक्स साइन एक्स यहाँ से कटिंग हो गई है दोनों क्या आ गए इक्वल टू जीरो फोर ऑल एक्स देयर फोर द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन देयर फोर देन वाई इक्वल टू जीरो स्लोप इज स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम एम इज इक्वल टू जीरो हैंस एम इज इक्वल टू जीरो स्लोप इज जीरो डी वाई बाई डी इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप इफ स्लोप इज जीरो देन द लाइन इज द स्ट्रेट लाइन प्रूफ ये प्रूव करना था कि ये प्रूफ है स्ट्रेट लाइन है क्या ये प्रूफ स्ट्रेट लाइन है एंड फाइंड द इक्वेशन और इसकी इक्वेशन भी निकालनी है इसकी क्या निकालनी है इक्वेशन इक्वेशन किसको निकालनी है भैया देखो देखो इक्वेशन किसको निकालते हैं देखो y इज देखो देखो स्लोप इज जीरो स्लोप इज जीरो क्या कहते हैं y इज द स्ट्रेट लाइन बिकॉज बिकॉज लिखेंगे बिकॉज y इज अ स्ट्रेट लाइन मीन्स हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ x ये एक्स का इंडिपेंडेंट है बिकॉज वाई इज द स्ट्रेट लाइन हैंड द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्स का इंडिपेंडेंट है एक्स इज इक्वल टू जीरो कोई भी एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो क्या लिखो लेट एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर एक्स इज इक्वल टू क्या कर देते हैं फाइव बाई फोर तो ये अपनी तरह पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर ये क्या है पाई बाई फोर की वैल्यू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वाई इक्वल टू वन बाई एट कोस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई रूट टू एंड साइन स्क्वायर पाई बाई फाइव की वैल्यू आ जाएगी वन बाई रूट टू वन बाई टू साइन इनवर्स रूट सी डी टी प्लस वन बाई एट तो वन बाई एट क्या जाएगा ये वन अपॉन टू कोस इनवर्स रूट टी डी टी
हेयर इज द लिमिट, 1/8, 1/2, 1/8, 1/2 दोनों कंबाइन कर लेंगे तो क्या 1/2 8, 1/8 टू 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इट मीन्स 1/8 टू 1/2 साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, इट मीन्स साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस रूट टी कितना जाएगा इस वैल्यू, डी टी इज इक्वल टू 1/8 टू 1/2 डी टी पाई बाई टू, क्या पाई बाई टू डी टी, पाई बाई टू दोनों बाहर ले गए, डी टी का क्या गया टी आ गया तो क्या गया पाई बाई टू टी 1/2 लिमिट और 1/8 बाहर, पाई बाई टू 1/2 माइनस 1/8 तो क्या गया 4/8, 8 टू माइनस 6, 6/8 क्या आ गया 3/3, क्या आ गया 3/3, थ्री पाई बाई 16, ये क्या आ गया 3/16, 1/2 ये है 3/16 है, द इक्वेशन विल बी y इक्वल टू 3/16, ये इक्वेशन है y इक्वल टू 3/16 आ गई, ये इक्वेशन क्या आ गई थी 3/16, देखो क्या था ये 0/2 है, ये प्रूव करना था इधर स्ट्रेट लाइन, इधर स्ट्रेट लाइन करता था स्लोप निकाल ले अपने डी वाई बाई डी एक्स टू 0/2 कर लिया, इसका भी लेबनीज रूल लगा दिया, इसका क्या साइन स्क्वायर एक्स साइन रूट टी यू आ गया साइन एक्स साइन स्क्वायर का ये आ गया तो इससे कटिंग हो गया तो हैं स्लोप इज जीरो दैट इज द स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन आ गया तो इसमें जो क्या आ गया यो जब स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, लेट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर आ गया, यस साइन स्क्वायर एक्स, यस साइन स्क्वायर एक्स साइन पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, साइन पाई बाई फोर का स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, ये इट मीन 1/2, इट मीन्स विल बी टू द 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1/8, 1/2, 1/8 दोनों की लिमिट सेम है, उसे इकट्ठे कर लिया साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स का आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 5/2, 5/2 चूंस स्टैंड बाहर आ गया टी का डी टी का टी, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज कर दिए तो क्या आ गया 3/5/16 दैट इज आंसर, ठीक है भाई आगे बढ़े, इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी की इन ई क्वालिटी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या है, इफ एट एवरी पॉइंट एफ of an interval x of an interval if at every point of x an interval a b if at every point of n of every point x of an interval a b the inequality is the
द इनोबिलिटीज, किस तरह की इनोबिलिटीज है ये? जी एक्स इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स, और फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड देन देन ए टू बी जी डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस, एक लाइन में लिख लेंगे यार, अच्छा लगेगा ये, देन ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एच एक्स डी एक्स, ए टू बी एच एक्स डी एक्स, वेयर ए इज लेस देन बी, एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ ए इंटरवल ए बी इन द इनइक्वालिटीज देन जी एक्स इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स आर फुलफिल्ड देन ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एच एक्स डी एक्स, वेयर ए इज लेस देन बी। तो ये इसकी इनक्वालिटी है, इसका रिजल्ट याद कर लेंगे, इनक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन भी लगाते हैं, देखो अभी इस तरह क्वेश्चन लेगा, जैसे ये इनइक्वालिटी नंबर वन है, इनइक्वालिटी नंबर प्रॉपर्टी नंबर वन है, इसका इस्तेमाल करते हैं, देखो किस तरह करेंगे, क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट जीरो टू लेस वन टू एट, जीरो टू वन एक्स की पावर सेवन डी एक्स, एक्स की पावर सेवन डी एक्स, वन प्लस एक्स की पावर एट, थ्री इज लेस देन रूट वन अपॉन थ्री, वन अपॉन एट, प्रूव दैट जीरो टू वन टू एक्स डी एक्स थ्री वन प्लस एक्स की पावर एट रूट वन बाई एट, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, सिंस जीरो इज वी हैव, वी हैव क्या रखते हैं, जीरो इज लेस देन एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स पावर एट, वन प्लस एक्स की पावर एट अपॉन थ्री, देन एक्स इज इज लेस देन एक्स की पावर सेवन, इज लेस देन एक्स की पावर सेवन, फोर ऑन एक्स जीरो टू एक्स टू वन, देखो जब एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच लाइक करेगी, जीरो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी उसकी वैल्यू, और एक्स की पावर सेवन से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है ये नक्सल से, तो इससे हमेशा ऑलवेज छोटी होगी। नाउ वी दैट हैव, अब इन सबका क्या लेना, हमने इंटीग्रेशन ले लिया, क्या ले लिया सबने इंटीग्रेशन, अब जीरो टू वन जीरो डी एक्स इज लेस देन जीरो टू वन एक्स की पावर सेवन वन प्लस एक्स की पावर एट डी एक्स इज लेस देन जीरो टू पावर वन एक्स की पावर सेवन डी एक्स, ये आ गए।
इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, जीरो आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, जीरो ही आ गया, जीरो ही रह जाए, इसका इंटीग्रेशन जो कि तुमने रखा है जीरो वन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, जीरो एक्स पावर ए सेवन का एक्स पावर एट अपॉन एट, ये क्या एक्स पावर एट अपॉन एट अब टू जीरो टू वन, ये आ गया। इस ये यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या गया जीरो लेस देन इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स पावर एट टू पावर थ्री वन अपॉन यही मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू इसके जीरो और वन एट के बीच की लाइव करेगी, इसकी वैल्यू जीरो और वन बाई एट के बीच लाइव करेगी। किस तरह लाइव करती है देखो भाई, अब ये की बिना देखो वी है, अगर इसकी वैल्यू जीरो टू एक्स पावर सेवन की वैल्यू इससे जीरो और वन के बीच अगर एक्स लाइव करेगी तो ये कंडीशन अप्लाई करेगी, क्योंकि जीरो से बड़ी होगी एक्स पावर सेवन से छोटी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर लिया, क्या कर लिया इसका, इसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। जब इसके इंटीग्रेशन करते हैं जीरो का जीरो वन एक्स पावर सेवन का यहाँ आ गया और इसका ये अरिथमेटिक रेक था, तो इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू वन बाई एट, हेंस प्रूव दैट इट विल बी द जीरो की वैल्यू इसके बीच लाइव करेगी। इफ है इनइक्वालिटी नंबर दो, इनइक्वालिटी नंबर दो क्या क्या प्रॉपर्टी है वो, सेकंड प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की क्या है, इफ एम इज द लीस्ट वैल्यू, एम इज द लीस्ट वैल्यू, कम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, एंड कैपिटल एम इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, कैपिटल एम इज द सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ, ऑफ फंक्शन एफ ऑन द इंटरवल ऑन द इंटरवल ए बी देन देन एम बी माइनस ए इज लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एम बी माइनस ए, ये बात समझ में आ गई भाई, एम कोई लीस्ट वैल्यू फंक्शन है और एम इज द ग्रेटेस्ट फंक्शन है, एम इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसकी फंक्शन की एफ एक्स की ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी की, देन एम बी माइनस ए क्लोज इंटरवल, देन एम बी माइनस ए ए बी जीरो टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एम बी माइनस ए, जो स्मॉल एम है वो लीस्ट वैल्यू शो कर रहा है, जो कैपिटल एम है वो क्या है फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो क्या आ जाएगा ये, एक और देखो भाई, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है अगर ए टू बी, ये तो मान लिया सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये रूट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये दो लिमिट, ये दो फंक्शन के, ये पूरे के मोड की अलग सी वैल्यू वैट की भी इंटीग्रेशन के
देन होगा, यानी ए टू बी मोड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वेर देन इक्वल टू बी टू ए टू बी बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगी। लिमिट की ए टू बी रहेगी भाई, बता रहे आप क्या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए टू बी मोड एफ एक्स डी एक्स के इक्वल रहेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, ये दो और इनक्वालिटी आ गई, एक दो एक बता, इसके पे क्वेश्चन लगाते हैं देखो कैसे। क्या क्वेश्चन है ये, एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, एब्सोल्यूट एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 19 साइन एक्स अपॉन 0 टू 19 साइन एक्स अपॉन टेन टू 19 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स। साइन एक्स इज मोर देन, अच्छा किसकी वैल्यू एस्टिमेट, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे 10 टू 19 साइन एक्स वन कोन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एस्टिमेट किसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, किस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी हमेशा लेस देन वन होगी, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू मोड की साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी लेस देन वन होगी, कब फोर एक्स इक्वल टू टेन, फोर एक्स इज ग्रेटर देन टेन, जब एक्स की वैल्यू टेन होगी, टेन या टेन से बड़ी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा इसकी वैल्यू जो है लेस देन वन होगी। लेस देन वन होगी देन, अब ये क्या आएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, इधर ही एक तरफ को याद है इधर से पूछेंगे क्या आएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमेशा इसकी वैल्यू भी किस से जाएगी जो एक से है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वही से एक से लेस देन वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, ये भी हो जाएगा इसकी वैल्यू हमेशा वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर एट से लेस देन हो जाएगी। अब आगे चलो, बट एक्स की वैल्यू कहां तक लाइव करती है, बट एक्स की वैल्यू लाइव करती है टेन टू नाइनटीन, बट एक्स की वैल्यू कहां तक लाइव करती है टेन टू नाइनटीन, एक्स की वैल्यू कहां तक करती है बट एक्स की वैल्यू 10 से 19 तक के डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू कहां तक कर रही है 10 टू 19, इट मींस यानी 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज लेस देन एक्स की पावर 8 इज लेस देन 10 की पावर 8, यानी अगर इसमें एक्स पावर 8 में ये ऊपर ओबली इससे बड़ा होगा ये इससे, वन प्लस एक्स पावर एट इज लेस देन टू इससे बड़ा होगा इक्वल, और अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं इसका इन्वर्स कर दूं देन इट विल बी टू द वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट
इज लेस देन 1 अपॉन एक्स पावर 8 इज लेस देन 1 अपॉन 10 की पावर 8। ये इसके इक्वल होगा 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 लेस देन ग्रेटर देन 1 अपॉन, इनवर्स कर दिया, क्या कर दिया ये इसका इनवर्स कर दिया। इट मीन्स वन अपॉन वन प्लस एक्स डेल्टा इज ग्रेटर, ये किसका मतलब क्या आ गया, ये क्या आ गया, इट मीन्स इससे क्या समझे समझे, इज इम्प्लाइज दैट वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एट इज लेस देन 1 अपॉन 10 की पावर 8, एक ही आर। अब इससे आगे क्या आ गया, मान लिया ये इक्वेशन तो फर्स्ट थी, ये इक्वेशन क्या थी, ये तो फर्स्ट थी एंड दैट इज इक्वेशन ये सर्किट, मान लिया ये तो इक्वेशन कौन सी थी, ये तो फर्स्ट थी इक्वेशन और ये कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड, बाय द फर्स्ट एंड सेकंड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव साइन एक्स अपॉन साइन एक्स पावर एट इज लेस देन टेन की पावर, बाय द क्या जाएगा, साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर एट इज लेस देन 1 अपॉन 10 की पावर 8। इट मीन्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन से वैल्यू क्या हुई, साइन एक्स इनकी 1 अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8। इट मीन्स बाई द, अच्छा ये आ गया, देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, ये साइन एक्स क्या क्वेश्चन आ गया, ये आ गया साइन एक्स, देखो साइन एक्स 1 प्लस x की पावर 8 10 to 19 डी एक्स, ये आ गया 10 to 1 प्लस x पावर 8 10 और 19 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, एम बी माइनस ए 19 माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये फंक्शन ये 10 की पावर माइनस 8 इसकी वैल्यू ये इंटू 19 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इट मीन्स 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 इंटू माइनस 1 की पावर। इट मीन्स वी कैन प्रूव दैट 9 को क्या लिख दिया, 10 माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, जो अगर 10 की पावर माइनस 7 माइनस 10 की पावर माइनस 8, इट मीन्स इट लेस देन विल बी 10 की पावर माइनस 7, इट मीन्स दैट जॉइंट विल बी 7, हेंस द इट मीन्स द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू विल बी 10 की पावर माइनस 8, इसकी साइन एक्स की अपॉन इट मीन्स साइन एक्स प्लस ये इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 8 ही आएगी। देखो भाई क्या है वैल्यू, इसकी एस्टिमेट है 10 की पावर 19 साइन एक्स इन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू, हम जानते हैं साइन एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 1 का साइन 4 एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 18 की वैल्यू में मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन है, तो इससे होगी इससे अच्छा, और लेकिन बट लेकिन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक कर रही है, एक्स की वैल्यू 10 to 19 है, एक्स की वैल्यू कहां है 10 to 19 है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 to 19 है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 to 19 है, इसका मतलब है
एक्स की वैल्यू वन, यानी एक्स, अच्छा हमें दी हुई है एक्स वैल्यू 10 to 19, वो हम जानते हैं जी एक्स पावर 8 है, वो 1 प्लस एक्स पावर 8 से क्या होगा, लेस देन होगा, 10 की पावर 8 से क्या होगा, हमेशा लेस देन। अब इधर इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करके इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो इसके ये दूसरी इनइक्वालिटी आ गई, ये इससे और पहली वाली इनइक्वालिटी को कंबाइन करके ये आ गया साइन एक्स पावर अपॉन 1 प्लस एक्स के ऊपर आ गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 लेस देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसमें क्या गया 19 इंटू 10 की पावर माइनस 8 एम बी माइनस 8, 10 की पावर माइनस 18 यार है इसकी लेस देन इक्वल टू लेस देन, ये तो क्या गया 10 माइनस 10 की, तो इज आर लेस देन इक्वल टू 10, इट इज अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू विल टू द 10 माइनस 8, क्योंकि इससे जो एम बी माइनस 8 से जो हम वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं अप्रोक्सीमेट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है भाई। अब एक अब चौथी प्रॉपर्टी आ गई, अब क्या है प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या है, क्या चौथी प्रॉपर्टी है भैया, इफ एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स आर द इंटीग्रेबल If f square x and g square x are the integrable on the interval AB then the a to b f x g x dx is less than a to b f square x dx a to b g square x dx, इसके ये a to b g square x dx इसके इक्वल होगा, क्या होगा इसके इक्वल होगा, इफ एफ स्क्वायर एक्स जी एक्स आर इंटीग्रेबल ऑन द फंक्शन ये। अब जैसे एक सवाल ऐसे देखते हैं, प्रूव दैट 0 to 1, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट जीरो टू वन वन प्लस एक्स का क्यूब डी एक्स कैन नॉट बी एक्सीड
कैन नॉट बी एक्सीड रूट 15 अपॉन 8 प्रूव दैट कैन नॉट बी एक्सीड 0 टू 1 द क्वाइट. इसको क्या कर दिया, इसको अलग अलग इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिया, क्या आ गया 1 प्लस एक्स डी एक्स. अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी फोर्थ इसमें लगा रही है, गिवन है इज लेस, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर लिया, क्या आ गया 0 टू 1 वन प्लस एक्स डी एक्स, वन प्लस एक्स का क्यूब डी एक्स 0 टू 1 0 टू 1 एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स वन 0 टू 1 वन प्लस एक्स डी एक्स. ये क्या आ गया एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन टू 0 टू 1. ये प्रॉपर्टी से आगे लेस गए थे, ये क्या आ गया वन प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 0 टू 1 ये आ गया और इसका स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू क्या आएगा वन प्लस वन अपॉन टू माइनस जीरो आ जाएगा फैली. इसमें सिमिलरली मल्टीप्लाई वन प्लस वन बाई फोर माइनस जीरो आ जाएगा इंटू रूट वन प्लस वन बाई टू क्या आएगा थ्री बाई टू. ये क्या आएगा फाइव बाई फोर, क्या आएगा थ्री बाई टू फाइव बाई फोर इज लेस देन इज इक्वल टू 15 बाई 8 इज लेस देन इक्वल टू 15 बाई 8. इट इज नॉट एक्सीड 15 बाई 8, इट इज नॉट एक्सीड 15 बाई 8 दैट इट इज नॉट एक्सीड 15 बाई 8. क्या है देखो भाई, ये 0 टू 1, ये 0 टू 1 मतलब प्लस एक्स टू डी एक्स कैन नॉट एक्सीड. अब ये 0 टू 1 जो अभी जो बताया था 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स मान ले ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स जी एक्स मान लेता हूँ, उसका इंटीग्रेशन कर लिया अलग अलग 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कर लिया, इसका 3 बाई 2 आ गया. अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं इससे होता है, ठीक है. तो ये क्या आ गया, इसका क्या आ गया 3 बाई 2 इसको बाई 15 8 है That will be if इस फंक्शन की वैल्यू 15 बाई 8 से एक्सीड नहीं हो सकती है, ठीक है. आई बात समझ, इनवेलिडिटी की चार प्रॉपर्टियां थी, इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह डायरेक्ट आते हैं, ठीक है. ये एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू क्या है कि निकालने के लिए इंटीग्रल का एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल. ये जो चार प्रॉपर्टियां थी इनवेलिडिटी की इससे हम निकाल सकते हैं. अब न्यू लेट डेफिनेट इंटीग्रल बाय द टिपिकल सब्स्टिट्यूशन, कोई टिपिकल टाइप सब्स्टिट्यूशन थे इससे डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे. क्या करें बस इतना ही, एंड चलो ठीक है. अच्छा आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक द एंड, ठीक है.